Hello everyone, so let's continue our chapter. Welcome to Maxwell Study Hub. Okay, so अब हम हमारे चैप्टर के 50% तक पहुंच गए हैं और अब हम हमारे ब्राजीलियन वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि ब्राजीलियन वाइल्ड लाइफ क्या है. ठीक है, अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राजील देन अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो ब्राजील में जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ ऑफ द ब्राजील है, ठीक है, वहां पर जो वेरिएशंस है वो काफी ज्यादा है. ठीक है, काफी ज्यादा वेरिएशन, जैसे आपने ब्राजील के वेजिटेशन में वेरिएशन देखे कि ब्राजील के वेजिटेशन में जितना ज्यादा वेरिएशन है वैसे ही ब्राजील के वाइल्ड लाइफ में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ द पैंटेनल, ठीक है, स्वैम्पी एरियाज यानी दलदल, मार्शी लैंड. ठीक है, सो जो इन पूरे वर्ल्ड का जो पैंटेनल इज द लार्जेस्ट वेटलैंड, इट्स द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड. सो ये जो पैंटेनल है, ये जो मार्शी लैंड्स है, ऐसे में, ऐसे पर्टिकुलर रीजन में काफी ज्यादा स्नेक्स वगैरह पाए जाते हैं. सो उनमें से एक ह्यूज स्नेक एनाकोंडा, ठीक है, एक स्पीसी स्नेक का वो पाया जाता है यहाँ पर. मेरे पास कुछ इमेजेस है, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर इमेजेस आपके लिए, कंसेप्ट और अच्छा करने के लिए और आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस भी लाए हैं जो मैं आपको वीडियोस के साथ साथ दिखाऊंगा. ठीक है, तो इन ब्राजील द गिनिया पिग्स, ठीक है, द गिनी पिग्स, सॉरी, इन ब्राजील द गिनी पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकीज, पुमास, लेपर्ड्स एक्सेट्रा आर फाउंड. ठीक है, यहाँ पर ये सारे विद एनाकोंडा के साथ साथ पैंटेनल में एनाकोंडा पाए जाते हैं मार्शी लैंड में. और विद इन द कंट्री कुछ एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे गिनी पिग्स हैं, क्रोकोडाइल्स है, एलिगेटर्स है, एलिगेटर्स इज अगेन अ स्पीसीज कम्स अंडर क्रोकोडाइल. ठीक है, देन मंकीज है, पुमास है, लेपर्ड्स है. ठीक है, ये सारे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ब्राजील में पाए जाते हैं ये वाइल्ड लाइफ. ठीक है, अमॉन्ग द फिश वेराइटीज मेनली स्वॉर्ड फिश आर फाउंड इन द सीज, वाइल्ड पिंक डॉल्फिन्स एंड पिरानास आर फाउंड इन द रिवर. ठीक है, कुछ स्वॉर्ड फिश वगैरह जो है वो यहाँ पर फिशेस में, हमारे कुछ स्वॉर्ड फिश वगैरह हैं जो सीज में पाए जाते हैं और पिंक डॉल्फिन एंड पिरानास है जो हमारे रिवर में, ब्राजीलियन रिवर में यहाँ पर फाउंड होते हैं. ठीक है, मेरे पास इमेजेस है, आप देख सकते हो एनाकोंडा. ठीक है, ये आप देख सकते हो एनाकोंडा जो दलदल में रहते हैं, क्रोकोडाइल्स, यू कैन सी क्रोकोडाइल, मंकीस है ना, पुमास जो एक कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेपर्ड्स अगेन कैट फैमिली से बिलोंग करने वाले, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, एलिगेटर की फैमिली से. ये देखो आप देख सकते हो शॉर्ट फिश, इन्हें शॉर्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनका जो टोंग, इनका जो नोज वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो शॉर्ट की तरह होता है, तलवारों की तरह धारी होता है, एकदम शार्पन होता है. पिंक डॉल्फिन्स, दे आर पिंक इन कलर, यू कैन सी, ये मोस्टली ब्राजील के रिवर में पाए जाते हैं. गिनी पिग्स आप देख सकते हो, गिनी पिग्स को, पिरानास को देख सकते हो, ये अपने शार्पन टीथ के लिए माने जाते हैं. ठीक है, जो किसी भी लोखंड जैसे चीजों को भी सेकेंड्स में एकदम इन्हें पाउडर कर सकते हैं ये. तो ये थे पिरानास, गिनी पिग, शॉर्ट फिश, पिंक डॉल्फिन, लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल है ना, मंकी, पुमास, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल्स, दिस ऑल आर द वाइल्ड लाइफ विच आर फाउंड इन ब्राजील. नाउ अलॉन्ग विद दिस वाइल्ड लाइफ सम बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड. सो उसके बारे में पढ़ते हैं कि बर्ड्स के बारे में क्या है. ठीक है, तो कॉन्डोज विच आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई वेरी हाई. ठीक है, कॉन्डोज इज द बर्ड. ठीक है, मेरे पास इमेज है, मैं दिखाता हूं आपको. सो ये बहुत ही बड़े होते हैं साइज में और बहुत ही हाई फ्लाई करते हैं स्काई में. सो इनकी तरह ही पैरट्स हैं यहाँ पर. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ पैरट्स, मकाउस, फ्लेमिंगोस. ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में. ये मेजर बर्ड्स हैं जो ब्राजील में पाए जाते हैं. ठीक है, मिलियंस ऑफ इंसेक्ट यानी कि वैरायटीज, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में इंसेक्ट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं यहाँ पर ब्राजील में. तो द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राजील इज वेरी रिच एंड डाइवर्स, बहुत रिच है और डाइवर्स है. Degradation of environment, ठीक है, is happening due to the illegal smuggling of the wildlife animals, slash and burn agricultural, deforestation and pollution.
ठीक है। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ में जो डाइवर्सिटी जो ब्राजील में है वो दिन पे दिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है, इलीगलिंग स्मगलिंग हो रहा है एनिमल्स के, उन्हें बेचा जा रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स एंड ऑल, ठीक है। सो स्लैश एंड बोन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज झूम कल्टिवेशन। तो झूम कल्टिवेशन में कैसा होता है कि पूरे पर्टिकुलर फॉरेस्ट को जला दिया जाता है, लैंड को पूरे फॉरेस्ट को जलाया जाता है, लैंड में फर्टिलाइजर डाला जाता है एंड क्रॉप्स कल्टिवेट किया जाता है। इन सारे रीजंस की वजह से क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ डे बाय डे क्या हो रहा है, एंडेंजर्ड होते जा रहा है, एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राजील। मेरे पास फोटोज हैं, जैसे बर्ड्स के भी कुछ फोटोज हैं, देख आप देख सकते हो पैरट्स, मकाउस, यू कैन सी फ्लैमिंगो, रिवर्स में होते हैं, रिवर्स में से फिश खाते हैं ये, कॉन्डोज देखो, रामायण में आपने सुना होगा अबाउट द कॉन्डोज, है ना, काफी ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर रामायण में। सो ये हमारा वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राजील, ठीक है। आपके आपने बर्ड्स देखे, कुछ कुछ आपने एनिमल्स देखे, डाइवर्सिटीनेस देखी इंसेक्ट्स के अंदर भी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब इनके सबके नोट्स बनाने हैं और स्टडी करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में, हमारे अपकमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।